माते के लिए कौन सा गाना गाना पसंद करोगी? वो मैं गाने का स्टार्टिंग बोल तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। गाने की लाइंस कैसे भूल गई थी तू? पहले बेइज्जती बेइज्जती करके इज्जत कौन देता है? इश्क में एक गाना तू ऐसा बोल रही थी ना जो तुझे और प्रविष दोनों को बहुत पसंद है। हाँ अरे यार कोई ना दिल से कदी तू इस गली दे ही अगले मोड़ ते मिलदासी तेनु खबर सी सारी की हाल जो मेरे दिल दासी। बस हमें इस लगा नहीं गा रही थोड़ा सा दो लाइन मेन लाइन तो गा दे जो लोगों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। उचिया दीवारा रखिया इस दिल दे चार चफेरे नाल साम के रखिया सी कोई दिल तेरा नाले डरे हाँ मेरा पहला वे दिल टूटिया फिर तोड़िया तू एक बारी क्यों दिल दी दीवारा के मैं तेरे लिए बनाई बारी। मुझे पता है जो लोग सुन रहे हो वो लोग भी अभी ऐसे क्लैपिंग करेंगे तेरे लिए क्योंकि तूने बहुत अच्छा गाया है। ओके तो तुम अपने माते के लिए कौन सा गाना गाना पसंद करोगी? वो मैं गाने का स्टार्टिंग बोल रही तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। गाने की लाइंस कैसे भूल गई थी तू? पहले बेइज्जती बेइज्जती करके इज्जत कौन देता है? इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई हो पाया मैंने पाया तुझे रब ने मिलाया तुझे होठों पे सजाया तुम्हें नगमा बनाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सब सबसे छुपाया तुम्हें सपना बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई सपने तेरी चाहतों के देखते ही अच्छी पोएम थी देखते ही कई दिन दिन है सोना और चांदी रात बन गई हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई तू है तो आई बी ऑल राइट। ये तो ये लाइन हमेशा मुझे सारी दुनिया एक तरफ है हम हर खुशी में दूर भागे मिल रहे हैं हम but when you smile for me the world seems all right ये तेरी जिंदगी। अच्छा तू पहले गाने के लिए शर्मा रही थी और मेरे टाइम पे इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? अब आपको पता है आपके टाइम पे एनर्जी की जरूरत। I love you. I love you too. Guys, मुझे cutie pie. नहीं ये लड़की पागल है मैं नहीं यार इनकी बात कर जैसी है तभी मेरे साथ बॉन्ड है। ओके अभी इतनी फिर किसी दिन रात को 3 बजे इसके अंदर आएगी निरूपा रॉय जी की आत्मा मेरी सेंटी सेंटी मैसेजेस करेगी। और बताइए मेरे से कुछ पूछना है? हाँ मुझे तुमसे ये पूछना है हाँ कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? सबको पता है पिंक। सबको कैसे पता है? सबको पूछो इसका फेवरेट कलर बताना प्लीज फेवरेट कलर कमेंट डाउन। हाँ अब तो लोगों ने सुना ही नहीं पिंक। ओके तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है पिज्जा के अलावा? लोगों का दिमाग मुझसे बेहतर कौन जानता है कौन जानता है ये मुझसे बेहतर बता दो। मुझे मशरूम्स पसंद है। आप मुझे मशरूम दे दो 24 में मतलब 12 महीने खा सकती हूँ। हाँ नेक्स्ट टाइम मशरूम पराठा बना दूंगी पनीर के जगह मशरूम दे दूंगी। ओके और कुछ? तो तुम क्लास 11 में हो ये मैंने पहले बता दिया था। तुम्हारा उम्र ऑलरेडी पता चल गया लोगों को। और क्या एक बहुत ही तुम्हारे बारे में इंटरेस्टिंग कुछ तुम बता दो। लोग वैसे जानते नहीं आप भी आप जानते हो आई गेस आधा जानते होगे मैं लिखने की बहुत शौकीन हूँ। नहीं ये मुझे जानते हो भाई इतना मुझे लाइन सुना लेती है मुझे इतना कुछ लिख के ये पोएम में डेडिकेट करती है मैं कैसे नहीं जानूंगी मैं जानती हूँ।
तो मतलब और एक बात आई थिंक जो शायद इसको देख के आप लोगों को नहीं पता, आई थिंक आई एम राइट जो मैं बोलने जा रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुली मस्ती खो रहे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एक लेवल से भी ज़्यादा, मतलब मैं अगर एक्टिंग करके दिखाऊँ तो ये ऐसी यार एक मिनट ऐसे हो जाती है जैसे बैचलर वाव में सुरमणि अपना कैरेक्टर चेंज करती थी ना, वैसे मैं अपने मूड स्विंग्स चेंज करती हूँ। हाँ कभी इनसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे मूड स्विंग्स। एक बहुत ही और एक बात जो बहुत ही वाहियात है, ये बहुत जल्दी लोगों की पोपट कर देती खासतौर से मेरी और मेरे बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तुझे क्या लगती है? मैं देखती हूँ ये मुझे कितना जानती है आपके बारे में, इतना सोच रही है मतलब इसको नहीं पता। नहीं मुझे पता है गाइस, बट जो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिर लोगों को समझ नहीं आएगा। अरे तुझसे पूछ रही हूँ। मेरे हिसाब से मतलब माते की एक बात है कि अगर मतलब किसी ने अगर उनको नेगेटिविटी से, वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है, वो नेगेटिविटी से बहुत जल्दी दूर होती है, मुझे उतना ही टाइम लगता है दूर। और जब मैं समझाती हूँ तो हाँ एक्चुअली ये बहुत फैक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा स्माइल करती हूँ तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या मुझे कोई हर्ट नहीं करता, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होता है। पर एक अच्छी बात यह है कि बहुत मेहनत लगी मुझे ये सब ऑब्जर्व करने में, लेकिन आज के डेट पे अगर कोई मुझे हर्ट भी करता है या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या कोई मुझे नेगेटिव करने की कोशिश भी करता है तो मैं हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं मुझे उससे निकलने के लिए। उनको 10 मिनट लगते हैं, मुझे 10 दिन लगते हैं। और मैं इसको जब समझाती हूँ तो ये बोलती है हमसे ना हो पाएगा लेकिन फिर समझ जाती हूँ एंड में। और मैं इसको यही बोलती हूँ कि मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी उम्र लग गया ये इस तरह पहुँचने में, इस तरह बनने में, पर तुम आई थिंक तुम लकी हो कि तुम्हें इस टाइम पे ये सब कोई समझा रहा है। अगर तुम अभी से इस चीज़ को सीख लोगी तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगा यार। एक जिंदगी है, इसमें नेगेटिविटी का प्लीज कोई जगह मत छोड़ो। लोग तो तुम्हें दुखी करेंगे पर तुम हमेशा उन लोगों पे फोकस करो जो तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि बोलने में पैसा नहीं लगता, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। वो गाना है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और मैं ये मानती हूँ कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इस पल में जिंदगी बिता लो, पल ये भी जाने वाला है। मतलब आज अभी अगर आप नेगेटिविटी में अपना टाइम बर्बाद करोगे तो ये पल है ये भी चला जाएगा, तो आने वाला कल कैसे खूबसूरत बनेगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप उसको खूबसूरत अगर अपने नजरिए से देखोगे। एग्जैक्टली। ओके तो